मगर मेरा सवाल ये है निरुपम जी आपसे कि अगर यही शिवसेना टूटी भी नहीं होती, अगर यही शिवसेना का नेतृत्व अभी भी उद्धव ठाकरे के हाथ में होता, तो क्या संजय निरुपम वापस से शिवसेना में आते? मुझे कांग्रेस छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लगभग 5 साल हो रहा है आपको, अभी भी आप वेट कर रहे हैं कि एक्सीडेंट होगी? रेलवे ट्रैक की दो पैरेलल लाइन थी और अचानक दोनों लाइन गड़बड़ हो गई, और दोनों लाइन जब गड़बड़ होगी तो रेलवे ट्रैक पर तो गाड़ी गिरी गई रहेगी। तो आपकी कौन सी वैचारिक समरसता हो रखी है अजीत पवार के साथ? हाँ, मैंने तो बताया ना, आप इसे तो बाला साहब की एक लाइन कोट करके दी थी आपको, शरद पवार की एनसीपी को भी इसमें ले लिया जाए। बहुत बड़ी चर्चित, बड़ा चर्चित आइडिया था वो, तो बाला साहब ने सीधे एक लाइन में उसको मना कर दिया था कि 2 is company and 3 is crowd, so I don't want crowd। निरुपम जी, आप बिल्कुल भी क्रेडिट नहीं दे रहे हैं कांग्रेस को फॉर अ गुड परफॉर्मेंस इन महाराष्ट्र एंड लोकसभा एट ऑल। कांग्रेस के पतन, जो पतन की स्पीड थी ना, वो थोड़ा स्लो हो गई, और पतन तो होना ही है, कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। आप भोपू क्यों बुलाते हैं संजय राउत को? भोपू सुबह सुबह 9 बजे भोपू ही बजता रहता है। ये भोपू की तरह कुछ भी बोलना, इस तरह का रोज झूठ बोलना, और झूठ के आधार पर सत्तारूढ़ दल के खिलाफ एक नैरेटिव तैयार करना। आपको छोड़े हुए कुछ महीने ही हुए हैं कांग्रेस? 5 महीने हुए, 5 महीने हुए मई से लेके, मई से लेकर। तो पता तो आपको चल ही रहा होगा कि क्या हो रहा है कांग्रेस कैंप में अभी। बिल्कुल बिल्कुल सब पता है, मेरे पास फोन भी आते हैं सबके। उद्धव ठाकरे का भी ये गला दबा रहे हैं, बेचारे मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते थे जी, कटोरा लेके दिल्ली गए, लिटरली भीख मांगा कि मुझे दे दो, इसमें डाल दो। सोनिया जी के पास गए, राहुल जी के पास गए, खड़गे जी के पास गए, किसी ने घास नहीं डाला। अब उसका बदला निकालेगा, ठीक है तुमसे सारी सीटें छीन लेता हूँ। संजय राउत बाला साहब के पास, हाँ, कि आपको नहीं भेजा जाए राज्य? हाँ, तो बाला साहब मुझे भेजिए। बोले क्यों, मैं तो उसको भेज रहा हूँ, अच्छा काम करो। तो मैं क्या सिर्फ यहाँ बैठ के कलम खींचता रहा हूँ? बाला साहब का तो जवाब बहुत सॉलिड रहता था। आप कह रहे हैं कि कंप्लीटली डाइल्यूट कर दिया है इन्होंने अपने प्रिंसिपल्स? बिल्कुल, बहुत जल्दी शिवसेना मुस्लिम लीग की कैटेगरी में जाके खड़ी हो जाएगी। तो आपके पास जितनी बातें पहुंची, आपकी जानकारी जो है उसके हिसाब से भूपिंदर हुडा ने, क्योंकि उन्होंने ऑब्जेक्ट किया कि निरुपम नहीं चाहिए और हमको अपना आदमी चाहिए ताकि मैं अपनी दुकान, अपना फ्रीडम चला सकूं। 36 बिरादरी में से 35 बिरादरी एक तरफ, एक बिरादरी एक तरफ। यस, दैट्स व्हाट हैपेंड।